बहुत अच्छा हुआ है और आप जानते हैं कि वहां पर तो खूब अच्छी मीटिंग हुई है और उसके बाद हर पार्टी के नेताओं को अवसर दिया गया प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहने का, वो सब हो गया। और जब लौट करके यहाँ पर आए तो आप में से कुछ लोग खड़े थे तो उनको भी हम बता दिए, बहुत अच्छा हुआ। देखिए अब मीटिंग इतनी अच्छी हो गई है कि अब मिल करके एकजुट होकर के सब लड़ेंगे और अभी 5 तरह का काम करने के लिए कमेटी बन गई है, सब तो करेंगे। लेकिन कल ही ये तय हो गया है कि बहुत जल्दी आपस में तय कर लेंगे लोग जो चुनाव लड़ने का। और आप जान रहे हैं ना अब केंद्र सरकार कब कर रहा है, अब क्या क्या होने वाला है, अब न्यूज में आ रहा है कि अब उसको विधानसभा और लोकसभा सबका, बड़ा अच्छा है भाई। ये सब चीज एक के साथ तो पहले होता था, अगर करना चाहते हैं तो ही काहे नहीं किए थे, जनगणना काहे नहीं किए, हर 10 साल पर जो होता था तो आप तो किए ही नहीं जनगणना, बोलिए होना ना चाहिए था 20 में तो नहीं है किए, कहीं तक चाहिए था कुछ नहीं किए, तब क्या हो रहा है। अब वो सब तो सारे लोग जितने और भी अपोजिशन के लोग हैं वो भी कल बात बात हुई है सबकी, वो कल बात करेंगे सब तो करेंगे। वन इलेक्शन क्या आप लोग समर्थन करते हैं? वन इलेक्शन को क्या आप लोग समर्थन? अरे सुनिए ना भाई, ये तो बात होगा हाउस में जो आएंगे प्रपोजल दे के आएंगे और उसी समय ने एक एक चीज कहा जाएगा, क्या हो रहा है। हम तो पहले ही से ना, मेरा डाउट है कि भाई देखिए ये पहले ही चुनाव कराने के चक्कर में, क्योंकि इनको लग रहा है कि विपक्ष की एकता हो रही है तब खतरा में वो आ गए, इसलिए जल्दी चुनाव ना हो के बहुत तरह की बात है। तो क्या होगा हाउस में सब चीज का डिस्कशन होगा, विशेष सत्र में क्या आप लोग कांस्टीट्यूशन का मुद्दा भी उठाएंगे सदन में? अरे भाई सारी बात होगी ना, चिंता भी क्या कर रहे हैं, अभी चिंता मत करिए, उस समय जिस समय बुलाएंगे उनका प्रपोजल होगा उसी समय ना बात ठीक से होगी। आपको इतना ही बता दिए कि अब सोचिए ना कि जो चीज करना चाहिए था वो तो करवे नहीं किए अब तक, अब जो कर रहे हैं क्या रहा प्रपोजल, आएगा प्रपोजल तो उसमें सब बात होगी। इंटेंशन आपको क्या लगता है? नहीं नहीं वो घबराहट में, केंद्र सरकार का इंटेंशन यही है कि बहुत ज्यादा घबराहट में, मीडिया पर तो कब्जा किए हुए है अपना प्रचार के लिए, अब सब जगह पर देखिए कल भी कितनी बड़ी संख्या में लोग थे। आज हम कोहे तो आप जानते हैं, आपके सारे जो मित्र हैं सब हंस रहे थे, पूरा सबको अच्छा लग रहा था। हमका आपको अधिकार जो है आप बोलिए, आपको जो उचित लगेगा कि क्या सही काम हो रहा क्या गलत, लिखते ना पहले, अब आजकल आप लोगों पर तो नियंत्रण है तो ठीक नहीं ना जी, ये होना ना चाहिए। हम तो चाहते ही हैं कि जल्दी हो सब चीज, हाँ हो जाएगा, सीट शेयरिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं। आप देखिए ना आपस में बातचीत हो चुकी है और इंटरनली बहुत जल्दी वो सब काम शुरू हो जाएगा, वो सब की चिंता मत करिए, वो सब तो करके बताया जाएगा। और हम लोगों ने तो तय कर लिया है कि इसी महीने सब चीज तय कर लीजिए और 2 तारीख को बापू के जन्म दिवस के अवसर पर पूरे देश में हम लोग अपना एक कार्यक्रम करेंगे कि ताकि एकजुट होकर के हम लोग आगे बढ़ेंगे। सब तय हो चुका है, तब वो सब तो आगे होगा ना। सर बिहार में एक मामला है छुट्टी को लेकर काफी विवाद हो रहा है। कहाँ छुट्टी को लेकर विवाद हो रहा है? अरे सबको पढ़ाना चाहता है तो छुट्टी क्या है? कोई पढ़ाना ही ना बच्चे बच्चियों को चाहता है, इसमें बुराई क्या है? सबको देखना चाहिए, तो जो भी डिपार्टमेंट समझता है अधिकारी समझते हैं तो हमको आश्चर्य होता है। आप किसी भी पुलिस कर रहे इसको जो भी लगता है किसी को लगता है तो वो आकर के बतावे कि क्या उनको लगता है, हम सबका सुनेंगे आपको क्या लगता है। लेकिन काम को अच्छा कर रहा है, हम तो कह दिए हम तो सबका सुनते हैं, सबको कितना फायदा देते हैं। मन से उजाला कर चले, मन से उजाला कर।